Hello everyone and welcome back to another lecture of Unlock Me. Class, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था the variation of cell shape and sizes and also we discussed an important term metabolically active cells. Now today we are going to start with the detailed differences between prokaryotes and eukaryotes. So let's get started. Let's start with the detailed differences of prokaryotes and eukaryotes. As you know, prokaryotes are single cell organisms, for example, bacteria, while eukaryotic organisms are multicellular organisms along with unicellular eukaryotes. For example, several protists like amoeba, paramecium, and euglena. So, class, let's start with the detailed differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. हम स्टार्ट करेंगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर से, दैट इज द सेल वॉल. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, दैट इज नॉन सेल्यूलोसिक. व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट है दैट इज सेल्यूलोसिक, प्रोटिस्ट में दैट इज अगेन सेल्यूलोसिक, फंजाई में जो सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, while animals may it is an exception that cell wall is absent, right? Prokaryotic cells mein mycoplasma, kal humne padha tha mycoplasma, the smallest known bacteria, right? They are devoid of cell wall. So aapko yaad rakhna hai that prokaryotic cells mein mycoplasma, they do not have cell wall, while eukaryotic cells mein animals lack cell wall. The second difference is plasma membrane, यानी कि cell wall के बाद जो next layer आएगी that is membrane. So plasma membrane is present both in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. Plasma membrane को true membrane भी कहा है as it is composed of lipid bilayer and protein. So दोनों में true membrane is present. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल व्हिच आर गोइंग टू बी एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बट दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन बाउंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, राइट? नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम और वन एनवेलप सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट? बट साइटोप्लाज्म के अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. दैट इज व्हाई वी कंसिडर प्रोकैरियोट्स टू बी वन एनवेलप सिस्टम. जबकि आपके यूकैरियोट्स में क्या है, साइटोप्लाज्म के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाइल साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक मेम्ब्रेन है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. दैट इज व्हाई वी कंसीडर यूकैरियोटिक सेल टू हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम और टू एनवेलप सिस्टम. नेक्स्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम यानी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट? सो 70S टाइप राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. जबकि आपके यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, दे आर गोइंग टू बी 80S. ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विच इज 70S type. Ribosomes, as you know, they are involved in the synthesis of protein. So prokaryotes में ये सिर्फ cytoplasm में present है क्योंकि कोई membrane bound organelle नहीं है, जबकि 70S ribosome eukaryotic cells में present रहेगा mitochondria along with chloroplast. Cytoplasm में this 80S. Then comes mesosomes. Mesosomes क्या है class?
लाइसोसोम्स आर द इनफोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है सेल वॉल के अंदर, राइट. सो ये सेल वॉल अंदर की तरफ को जो इनग्रोथ दिखा रही है, दिस इनग्रोथ आर नोन एज मीसोसोम. और मीसोसोम्स का काम है दैट दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ऑल्सो दे हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम. ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया है एंड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज पिलाई एंड फिम्ब्रे. पिलाई एंड फिम्ब्रे में क्लास पिलाई क्या है और फिम्ब्रे क्या है. दी पिलाई एंड फिम्ब्रे आर गोइंग टू बी द आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ को कहते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रे एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन अडहेशन और अटैचमेंट में हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ पाइलिन. While such structures are going to be absent in case of eukaryotic cells. Now, prokaryotic cells में जो vacuole present हैं, these are gas vacuoles. और ये vacuoles जो होते हैं, ये help the bacteria in floating and also they provide buoyancy to an organism. इन्हें pseudo vacuoles भी बोलते हैं, as the membrane of the vacuole is not true. इसमें लिपिड बाइलेयर एब्सेंट होती है एंड दे आर कंपोज्ड ओनली ऑफ प्रोटीन, जबकि ट्रू वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी है अलोंग विद प्रोटीन. साइक्लोसिस. नाउ द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. साइक्लोसिस इज अ प्रोसेस in which the cytoplasm shows movement around the vacuole, both can be anti-clockwise or it can be clockwise. Next we'll talk about genetic material. Now genetic material in case of prokaryote is going to be naked, yani ki koi nuclear membrane nahi hai, right, wo enclosed nahi hai. The genetic material can be seen naked in the cytoplasm. That is why the nucleus is considered to be primitive nucleus, and that nucleus of prokaryote also known as nucleoid or incipient nucleus. And nucleolus that is present inside the nucleus is going to be absent in case of prokaryotic cells, while it is going to be different in case of eukaryotic cell. यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज गोइंग टू बी इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर होगा. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है काफी डेवलप्ड होगा, राइट. इट इज नॉट गोइंग टू बी इनसीपिएंट एंड थर्डली इट इज आल्सो गोइंग टू हैव न्यूक्लियोलस दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम क्लास यूकैरियोटिक सेल्स में दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहेगा and the genetic material is enclosed by a membrane that is nuclear membrane. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो genetic content है it is naked, यानी कि ये cytoplasm में आपको ऐसे ही खुला हुआ दिख रहा है. so that incipient nucleus is said to be nucleoid, also known as primitive nucleus. now talking about DNA, तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो है सर्कुलर एंड कॉइल्ड, राइट. सर्कुलर भी रहेगा और कॉइल्ड भी रहेगा, और जो कॉइलिंग हो रही है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड द नेम इज पॉलीअमाइन्स एंड दीज डीएनए दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ओनली इन साइटोप्लाज्म. यहाँ पे अभी आपको मैंने दिखाया था कि जो डीएनए है ये सर्कुलर है, कॉइल्ड है, राइट, एंड इज प्रेजेंट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, राइट. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए इज गोइंग टू बी लीनियर एंड कॉइल्ड. यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, यहाँ पे इट इज कॉइल्ड. हिस्टोन प्रोटीन से कॉइलिंग रहेगी एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट.
क्लास आपको ये डिटेल डिफरेंसेस बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं फॉर योर नीट राइट, कि जो जेनेटिक कंटेंट है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जेनेटिक कंटेंट को क्यों हमने न्यूक्लियोइड कहा, व्हाई इज इट नेकेड, कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड कॉइल्ड राइट, साथ ही डीएनए सिर्फ वहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो रहेगा लीनियर एंड कॉइल्ड। वहाँ पे जो कॉइलिंग आपने देखी थी प्रोकैरियोट्स में वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से हो रही थी, यहाँ पे जो कॉइलिंग होगी दैट इज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो क्लास ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एज यू नो दैट डीएनए हैज द कोडेड इंफॉर्मेशन राइट, और ये कोडेड इंफॉर्मेशन यूटिलाइज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये स्टेप कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। सेम वे अब आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इंफॉर्मेशन विल बी यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अगेन ये स्टेप भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म इज द ओनली स्पेस लेफ्ट, बाकी उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो वट एवर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इज इट विल अकर इन साइटोप्लाज्म। जबकि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में हो रहा है राइट, एंड द ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू अकर इन साइटोप्लाज्म। एवरीवन तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए एंड ट्रांसलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन। So both these steps are going to occur in cytoplasm, while in eukaryotes ye alag alag jagah pe honge, transcription in nucleus and translation in cytoplasm. Next is flagella and flagella are the locomotory structures which help in movement of an organism. So yahan pe jo flagella present hai that is composed of flagellin protein, while in case of eukaryotes jo flagella present hai it is composed of tubulin protein. Here in the diagram you can see the prokaryotic cell aur yahan pe aapko ye flagella dikh raha hai which is going to help this organism in the locomotion. Next class it is cytoskeleton, or cytoskeleton act as skeleton and provide support to the cytoplasm which is going to be absent in case of prokaryotes while it is present in case of eukaryotic organism. Next class talking about their sexual reproduction, so prokaryotes may true sexual reproduction is absent, instead they transfer their gene from one bacterium to another bacterium and that process is known as recombination right, और यहाँ पे क्योंकि ट्रू मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट वी ऑल्सो कंसिडर इट एज पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाइल यूकैरियोट्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट और सीन यूकैरियोट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस, क्योंकि ये डिफरेंसेस आपको आने वाले टॉपिक्स में बहुत हेल्प करेंगे राइट। अगेन एंड अगेन यू नीड टू रिकॉल दीज डिफरेंसेस, क्योंकि कई बार बहुत सारे MCQs, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इनके बेसिस में फ्रेम होते हैं एंड वी गेट कंफ्यूज्ड विद द क्वेश्चन कि ये यूकैरियोटिक का है या ये प्रोकैरियोट्स का है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दोस क्योर्स ड्यूरिंग आर एग्जाम्स वी हैव क्रिएटेड दिस डिटेल्ड डिफरेंसेस, जो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर योर एग्जाम, फॉर योर नीट, एंड विल ऑल्सो हेल्प यू इन कनेक्टिंग another topic we are going to start in our next lecture, that is the detailed structure of prokaryotic cell. So class, today's lecture we had detailed differences between prokaryotes as well as eukaryotes. आपने देखा कि हमने सारे differences को initial
यानी कि आपका सेल वॉल से स्टार्ट किया द आउटर मोस्ट लेयर एंड वी एंडेड अप विद द इनर मोस्ट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमने सेल वॉल से स्टार्ट किया, देन वी टॉक्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, देन हमने साइटोप्लाज्म में कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट रहेंगे उनके बारे में बात किया, राइट. देन वी डिस्कस्ड कि राइबोसोम जिन्हें हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं वो दोनों में साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि आपके प्रिमिटिव न्यूक्लियस जेनेटिक कंटेंट कैसे रहेगा, गैस वैक्यूल्स क्या हैं, DNA for prokaryotes and eukaryotes कैसे रहेगा. So we have discussed all the detailing and the important terms, right? ताकि जब आप इनके बारे में individually पढ़ेंगे तो you have a basic idea and you can connect this knowledge to that knowledge. अब आपको मुझे बार बार नहीं बताने की ज़रूरत है कि true membrane का मतलब क्या है, right? What does the term cyclosis mean, right? इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, राइट. जेनेटिक कंटेंट डीएनए नेकेड रहेगा, इनसिपिएंट न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियोइड रहेगा. सो ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी हैव बीन डिस्कस्ड दिस पार्ट ऑफ द सो क्लास. आई होप यू लाइक द वीडियो. यू डू प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू अनलॉक नीट. And stay connected and stay tuned for our next lecture where we are going to have detailed study about the prokaryotic cells. Aapke ab hum structure ki baat karenge prokaryotic cells ki and then we'll move on to eukaryotic cells.